बच्चों तो यहाँ पर देखो, कल तक हम लोगों ने, मैंने अपने पिछले वीडियो तक हम लोगों ने संधि के बारे में डिस्कस किया, तो अब हम आगे बढ़ते हैं एक नया पार्ट, भीम और राक्षस के बारे में। तो यहाँ पर देखो, भीम और राक्षस विधा में देखेंगे तो ये एकांकी है, संविधा में देखेंगे तो ये एक एकांकी है। भीम और राक्षस पार्ट, पार्ट का नाम भीम और राक्षस और उसकी विधा है एकांकी। तो यहाँ पर है भीम और राक्षस, ये नाम सुनते ही आप लोगों को मालूम हो जाएगा कि ये एक भारत की पौराणिक कथा महाभारत के एक छोटे से हिस्से की एक कहानी, जिसे एकांकी के रूप में विष्णु प्रभाकर जी ने यहाँ पर आप लोगों को पाठ के रूप में दिया है। एकांकी माने, एकांकी माने एक ही स्टेज रहते हैं वहां पर पर्दे, माने उस स्टेज के पीछे सिचुएशन के हिसाब से पतंग उड़ना और उड़ा पदों को गिराना और उतारना, ये सिलसिला चलता रहता है, लेकिन वहां पर स्टेज एक ही रहता है। उसकी माने वहां पर कृष्ण का प्रतीकात्मक चित्र उस पर्दे के जरिए हमें मालूम पड़ता है, तो उसे एकांकी कहते हैं। सो इस एकांकी की रचना है विष्णु प्रभाकर जी। सो इस पार्ट में आप लोगों को माने हमारे भारत की एक महान कथा है रामायण और महाभारत। सो रामायण महाभारत एक ऐसे महान काव्य है जिसे सिर्फ भारत के लोग नहीं, विदेशी लोग भी बहुत ही पसंद माने बहुत ही मान्यता के साथ पढ़ाई करते हैं। सो यहाँ पर है एक ऐसी एक महान काव्य महारचना ये महाभारत। सो महाभारत की कहानियों को, महाभारत के पूर्ण संपूर्ण महाभारत को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कितना महान काव्य रचना है। सो महाभारत की एक छोटे से महाभारत है ही भारत की एक महान रचना। सो उसमें आप लोगों को बच्चों का पूरा अधिकार है कि देश के महान चरित्रों के बारे में, देश की महान रचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि ये हमारा देश का है। आज अगर भारत आज भारत का नाम देश विदेश में गूंज रहा है माने, सो इसके लिए ये महान रचना भी एक तरह से कारण होता है। सो इन महान रचनाओं से भी भारत का नाम विदेशों में गूंज रहा, एक ऐसी महान रचना है। सो उसके साथ साथ महाभारत में आने वाले कृष्ण की जो लीलाओं की जो रचनाएं हैं वो तो विदेशी लोगों के लिए बहुत ही शक्तिशाली है। वो कृष्ण भक्त बनकर कृष्ण के गान गाते हैं। सो आज भी अगर आप लोग देखोगे तो बाहर के देशों में लोग हरे राम हरे कृष्ण और कृष्ण की लीलाएं और यशोदा मैया की कहानी, सो इन सबको बहुत ही चहेते से आज भी वो पढ़ते हैं और समझते हैं। वो हमारे देश की एक महान रचना महाभारत एक छोटे से कहानी का एक छोटा सा एकांकी है जो विष्णु प्रभाकर जी यहाँ पर एकांक के रूप में हमारे सामने लिखी। देखो यहाँ पर पहले तो मैं आपको लेखक के बारे में बताऊंगी। लेखक का नाम है विष्णु प्रभाकर जी, लेखक का नाम विष्णु प्रभाकर जी। सो इनका जन्म 1912 मीरापुर जिले मुजफ्फरनगर में हुआ। सो इनका जन्म हुआ 1912 में मीरापुर जिले और मुजफ्फरनगर में इनका जन्म हुआ था। उसके साथ साथ इनकी प्रमुख रचनाएं प्रकाश और परछाइयां, ऊंचा पर्वत आदि, प्रकाश और परछाइयां, ऊंचा पर्वत आदि इनकी रचनाएं हैं। इसको सोवियत लैंड पुरस्कार प्राप्त हुआ है, इनको सोवियत लैंड पुरस्कार, उसके साथ साथ एक आईके साहित्य केंद्र साहित्य अकादमी द्वारा भी एक केंद्र अकादमी द्वारा भी इनको एक मिला है पुरस्कार इनकी एक रचना के लिए। सो देखो उसके साथ साथ आवारण मसीहा इनकी प्रसिद्ध जीवनी है। सो ये जीवनी लिखे है, एकांकी लिखे है, उपन्यास लिखे है इन्होंने, माने साहित्य की हर एक विधा में इनकी रचना है। लेकिन विष्णु प्रभाकर जी माने उनके लिए तो बस एकांकी ही, उनका नाम से जुड़ा है सिर्फ एकांकी। यहाँ पर देखो इनको उनकी एक ही रचना आवारा मसीहा इनकी प्रसिद्ध जीवनी है, इन्होंने जीवनी लिखी है उसका नाम आवारा मसीहा। सो ये इनका जन्म 1912 मीरापुर जिले मुजफ्फरनगर में हुआ था। इनकी रचना है प्रकाश और परछाइयां और ऊंचा पर्वत पुरस्कार से भी सम्मान किया गया है। इनका रचना जो जीवनी है जो प्रसिद्ध है वो है आवारा मसीहा। तो ये था लेखक परिचय। अब हम पाठ की ओर बढ़ेंगे तो ये इस कहानी के जरिए या इस एकांकी के जरिए प्रभाकर जी हमें क्या समझाना चाहते हैं बच्चों।
बच्चों को क्या समझाना चाहते हैं प्रभाकर जी और बच्चों को क्या संदेश में दे रहे हैं, उसके साथ साथ इस एकांक के द्वारा बच्चों को क्या सीख मिलेगी, ये प्रश्न हमारे दिमाग में होता है। तो यहाँ पर देखो ये एक पौराणिक एकांक है, मैं आप लोगों को पहले ही बताई भारत की एक पौराणिक कथा है महाभारत, उसी में से सो वहां पर उसी बड़ा महारचना महाभारत से महाभारत एक छोटा एक दृश्य माने घटना का वर्णन यहाँ पर एक अंक द्वारा किया गया है। ऐसा तो ये एक पौराणिक एक अंक है, भीम द्वारा बकासुर का वध इसका कथा सार है। सो ये पूरे एक अंक सो किस तरह चलती है, भीम द्वारा बकासुर नामक एक राक्षस का वध होता है भीम द्वारा। सो इस एक अंक का मेन थीम जो है वो है भीम द्वारा बकासुर का वध, भीम द्वारा बकासुर का वध, ये बकासुर नाम को एक राक्षस उसको वध करता है भीम। तो यहाँ पर ये इस तरह एकांत का थीम है भीम द्वारा बकासुर का वध। अब उसके साथ साथ इस बात का महत्वपूर्ण सीख ये है कि दानवता पर मानवता की जीत, दानव माने राक्षस, मानव माने भीम। सो माने जिसमें राक्षसीय गुण रहते हैं जिसे दानव कहते हैं, जो मानवीय मूल्यों को रखता है उसे मानव कहते हैं, दानव माने राक्षस जाति के, मानव माने मनुष्य जाति के। तो दानवता पर मानवता की जीत, सो एक बुरे विचारों पर अच्छे विचारों की जीत ऐसा भी कह सकते हैं, या तो एक राक्षस की ओर से एक मानव की जीत, और इच्छा शक्ति के सामने बुराई की हार इस पाठ का आशय संदेश है। इच्छा शक्ति माने अगर हम प्रयत्न सच्ची श्रद्धा के साथ प्रयत्न करेंगे तो हमें जितना बुराई इतना ही बड़ा हो उसे हम हरा पाएंगे। हमारी इच्छा शक्ति पहले दृढ़ होना चाहिए, अगर हम अपनी इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे तो बुराई अपने आप हार जाती है, ये इस बात का सीख है। देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को दोबारा कहती हूँ, भीम और राक्षस एकांक है, इस एकांक की रचना करता है विष्णु प्रभाकर जी, और इनका जन्म 1912 मीरापुर जिले मुजफ्फरनगर में हुआ था। इनकी रचनाएं प्रकाश और परछाइयां, ऊंचा पर्वत, इन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार मिला है, आवारा मसीहा इनके प्रसिद्ध जीवनी है। सो इस पाठ का आशय है एक पौराणिक एकांक है, भीम द्वारा बकासुर का वध इस कहानी का सार है, उसके साथ साथ इस कहानी की मेन संदेश क्या है, मुख्य संदेश है मानवता पर, दानवता पर मानवता की जीत और इच्छा शक्ति के सामने बुराई की हार। तो ये भी इस पाठ का संदेश है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया है ऐसा मैं मानती हूँ। आप एक काम कर दीजिए कि इसी तरह महाभारत के कोई और महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में आप लोग पढ़े तो आप लोगों को मालूम हो जाएगा इसके पीछे अज्ञातवास क्यों आए थे महाभारत में, कुंती के पुत्र वनवा अज्ञातवास में क्यों आए थे, वहां पर एक ब्राह्मण का रूप धारण करके क्यों रह रहे थे वो, सो एक राजा होकर ब्राह्मण का रूप उन्होंने क्यों धारण किया, इन सब के बारे में अगर आप लोग इसके पीछे कहानी सुनाओगे बड़ों तो आपको समझ में आ जाए, या तो आपने घर में रहने वाले कोई बड़ों से कहानी सुनोगे तो भी आप लोगों को मालूम हो जाएगा कि ये कुंती पुत्र माने ये पांडव। सो महाभारत में पांडव और कौरव दो पक्ष रहते हैं, सो यहाँ पर पांडव के पुत्र पंच पांडव कहते हैं, सो इसमें धर्मराज, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये पांच भाई ब्राह्मण के रूप में इन्होंने अज्ञात वास में रहते हैं, इसके बारे में आप पढ़कर भी जान सकते हैं या तो अपने घर में रहने वाले बड़ों से पूछ कर भी जान सकते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया है ये सोचते हुए मैं अपने वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ, मैं अपने अगले वीडियो में इसका कंटिन्यूएशन करूंगी। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।